हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम 31 मई के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे जो द हिंदू से लिए गए हैं और ये हिंदी में होंगे। ज़्यादा करंट नहीं है इसमें, 4-5 ही बस न्यूज है हमारे लिए इम्पोर्टेंट एग्जाम्स की दृष्टि से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो न्यूज है वो है रोजगार सेतु ऐप के बारे में। तो मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए सुरक्षित रोजगार में मदद करने के लिए रोजगार सेतु ऐप योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो रोजगार सेतु ऐप शुरू करने वाला है मध्य प्रदेश सरकार इसके लिए। तो प्रवासी श्रमिकों के लिए उनको रोजगार देने के लिए उनके स्किल्स के हिसाब से। अगला जो न्यूज है वो है उत्तर प्रदेश सरकार ने 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़कों के रूप में विकसित किया। तो उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में 800 किलोमीटर की सड़कों को हर्बल सड़कों के रूप में विकसित करेगी। इन हर्बल सड़कों पर औषधीय और हर्बल पेड़ होंगे जिनके दोनों तरफ जमीन होगी। यानी कि 800 किलोमीटर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो सड़कों को हर्बल सड़क बनाएगा। हर्बल सड़क से कहने का मतलब है कि उस पर औषधीय और हर्बल पेड़ होंगे और उसके दोनों तरफ जमीन होगी। इनमें पीपल, नीम, सहजन के साथ साथ ब्राह्मी, अश्वगंधा और जेट्रोफा जैसे अन्य जड़ी बूटियों की किस्में शामिल हैं। ये 800 किलोमीटर की सड़कें राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के साथ होंगी जो राज्य से होकर गुजरती हैं और इनके साथ हर्बल गार्डन वायुजनित जीवाणु और अन्य बीमारियों को दूर रखेगा। तो ये हर्बल गार्डन से ये फ़ायदा होगा कि जितने भी जीवाणु और उनसे फैलने वाले जितने भी रोग हैं उनसे ये हर्बल प्लांट्स लोगों को सुरक्षित रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज है यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये अवार्ड क्या है कि भारतीय सेना की अधिकारी मेजर सुमन गवानी और ब्राज़ील की नौसेना अधिकारी कमांडर कार्ला मोंटेइरो डे कास्ट्रो अरुजो को प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। यह पहली बार है कि जब किसी भारतीय शांति दूत को इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र एंटोनियो गटरेश द्वारा सुमन और कार्ला को पावरफुल रोल मॉडल के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप ये सुमन गवानी का है जिन्हें यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 दिया गया है। इनके साथ साथ ब्राज़ील की कमांडर कार्ला मोंटेनेरो डी कास्टो अरुजो को भी ये अवार्ड दिया गया है। तो ये पहली बार है कि जब किसी भारतीय महिला को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय शांति दूत है मेजर सुमन, यानी कि मेजर सुमन जो है वो पहली भारतीय शांति दूत है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। मेजर सुमन गवानी यह अवार्ड पाने वाली भारत की पहली शांति दूत हैं। वे सम्मान में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क जाने वाले थे, यानी कि ये सम्मान समारोह न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाला था लेकिन कोरोना वायरस के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया। अब वे ऑनलाइन ही इस प्रतिष्ठित अवार्ड को स्वीकार करेंगी, यानी कि ये अवार्ड अब ऑनलाइन ही दिया जाएगा। मेजर सुमन एक मिलिट्री ऑब्जर्वर हैं जिन्हें दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए तैनात किया गया है। उन्होंने यौन हिंसा से जुड़े संघर्षों पर करीब 230 यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर को मेंटर किया और मिशन की टीम को प्रत्येक साइट में महिला मिलिट्री ऑब्जर्वर की उपस्थिति सुनिश्चित की। उसने दक्षिण सूडान सरकार की सेनाओं को भी ट्रेन किया और संघर्ष संबंधी यौन हिंसा पर कार्य योजना शुरू करने में उनकी मदद की। तो इस कार्य के लिए मेजर सुमन को ये अवार्ड दिया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज है वो है कोविड-19 के कारण भारत में छाई आज़ादी के बाद सबसे गंभीर आर्थिक मंदी, ये क्रिसिल जो कि एक रेटिंग एजेंसी है उसके द्वारा ये बताया गया है। तो रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का कहना है कि आज़ादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। एजेंसी का कहना है कि आज़ादी के बाद इससे पहले 3 बार अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आई थी लेकिन कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन ने सबसे ज़्यादा भारतीय अर्थव्यवस्था को झटका दिया है। क्रिसिल के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली है। टूरिज्म जैसा सेक्टर का सबसे बुरा हाल है। रोजगार और आय पर प्रतिकूल असर पड़ेगा क्योंकि इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों को कामकाज मिला हुआ है। तो टूरिज्म जैसे के सेक्टर है वहाँ हर साल बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, इससे लोगों को रोजगार और आय का अवसर प्राप्त होता है लेकिन लॉकडाउन की वजह से कोई भी टूरिस्ट नहीं जा पा रहे हैं टूरिज्म करने वाले जगहों पे और इस वजह से बड़ी संख्या में लोगों को कामकाज पे असर पड़ रहा है, उनके इनकम पे असर पड़ रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि WHO के सहयोग के लिए नए फाउंडेशन का गठन, यानी कि एक नए फाउंडेशन का गठन किया गया है। किसके लिए? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सहयोग के लिए। तो WHO के डायरेक्टर जो हैं ट्रेडोस अधानम
घेब्रेयेसस ने 27 मई 2020 को इसकी घोषणा की। यह एक स्वतंत्र संगठन होगा जिसमें मौजूदा तरीकों से अलग हटकर फंडिंग को जुटाया जाएगा। उन्होंने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस संस्था के निर्माण का प्रस्ताव 2018 के फरवरी माह से ही लंबित है। संगठन के महानिदेशक डॉक्टर ट्रेडोस ने इससे पहले कहा था कि लेसेंट मेडिकल जर्नल में पिछले सप्ताह प्रकाशित एक पेपर के मद्देनज़र यह फैसला लिया गया है कि कोविड-19 के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल न किया जाए क्योंकि यह हृदय के लिए घातक है और इससे जान भी जा सकती है। तो ये रहे आज के 30 और 31 मई के कुछ न्यूज़ जो कि हमारे लिए द हिंदू अखबार से इम्पोर्टेंट थे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।